प्रदेश में और पूरे देश में यह योगा दिवस मनाया गया और पिछले बार से भी बार और संभव में भी ये योगा दिवस मनाया गया। एक निजी कॉलेज में वहाँ पर आई टी हमने योगा किया और हमारी जो योगा शिक्षक थे उनसे ये बात उन्होंने कहा कि लोगों को योग करना चाहिए जिससे लोग स्वस्थ रहेंगे और लोगों की हेल्थ सही रहेगी। सभी लोग रहेंगे और शांति पाठ करेंगे। हमारा योग दिवस था, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को योग के द्वारा? करो योग, योग करने से बहुत सारे फायदे, अपना पेट भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हमारी दूर हो जाती है। हमें प्राणायाम करना चाहिए कम से कम 5 मिनट में, प्राणायाम करना चाहिए, कपालभाती, अनुलोम विलोम और भ्रामरी करने से हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। भ्रामरी योग जरूर करें। कौन कौन से स्टेप्स सिखाए हैं आपने? सबसे पहले खड़े होकर दिए थे, गर्दन के लिए प्रयास किए थे, उसके बाद पश्चिमोत्तानासन किया था, उसके बाद में हमने ये बैठ कर दिए थे बहुत से प्राणायाम में हमने कपालभाती दी, अनुलोम विलोम किया, शिवजी प्राणायाम किया और उसके अलावा हमने बहुत से लेट कर किए थे, पवन उत्तासन किया था, तो हमारी टेस्ट को दूर करता है और मेरी टेस्ट प्रॉब्लम है तो उसको करना चाहिए हमें, और हमने किया था कितने साल से योग सिखा रहे हैं? 2 साल से। कहाँ से शुरुआत की? मैंने कहाँ से शुरुआत की थी? पता नहीं, योग कुछ की आपका नाम?